स्वधर्मार्थ भूमो धारति खलु देहान प्रतिहान तथा वो भूदेव स्वजन सुर रक्षा। भगवान के अवतार लेने का एकमात्र प्रयोजन भक्तों का उद्धार। उद्धार की प्रक्रिया क्या होगी ये जीव के संस्कार के ऊपर है। भगवान की प्रत्येक क्रिया मंगलमयी है। पराम्बा भगवती की स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा इन असुरों के ऊपर भी आपने वस्तुतः कृपा ही की है जो इनका कल्याण। तो भगवान की क्रिया भगवान की लीला धाम स्वरूप ये सब मंगलमय है। जीव को अपनी ओर आकर्षित करते भगवान की लीलाओं से आकर्षित होकर के कितने जीवों का कल्याण हुआ। भगवती रुक्मिणी जी का भी तो केवल श्रवण के माध्यम से ही अनुराग हुआ। इसी प्रकार भगवान जो इतना सुंदर रूप धारण करते हैं भगवान का अलम सौंदर्य है। तो भगवान अलम सौंदर्य भी इसलिए धारण करते हैं कि जो रूपासक्त जीव हैं वो भी उनकी ओर आकर्षित हों रूपाकर्षण के कारण। हमने संतोष सुना है कि रसखान तो रूपासक्त होके ही आए। दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली में उसके निकट एक गांव में एक पहलवान रहते थे। उनका नाम था धनुर्दास। बड़े प्रसिद्ध नामी पहलवान थे और उन्होंने एक वेश्या को अपने घर में बैठा रखा था। उसके रूप से आसक्त होकर धनुर्दास इतना अधिक वेश्या के हेमाम्मा नाम था उनका इतना आसक्त था उनके देखे बिना रह ही न पावे। हर समय उनकी ओर टकटकी लगाए देखे। मार्ग में चलते हुए भी उल्टा चलते थे कि अगर बराबर में चलेंगे तो उनका रूप कहाँ दिखाई पड़े। तो उल्टा चलता था और हमारी प्रिया को धूप न लगे इसलिए छाता भी लगाते। अब उल्टा चलना छाता लगा करके बाजार इत्यादि में अब जो रूपासक्त है उसी के द्वारा संभव है सामान्य व्यक्ति को ले चल पाएगा। उसे ध्यान ही नहीं कितना दिन रूपासक्त लोग क्या कह रहे हैं सुनने से कोई ध्यान ही नहीं। ध्यान तो तब जाए जब हेमाम्बा से ध्यान हटे। हेमाम्बा ने प्रार्थना की धनुर्दास से कि श्रीरंगम में उत्सव हो रहा है वासंती उत्सव हो रहा है हमें ले चलोगे जहां तुम्हारी इच्छा हो। तो अनुगत था। तो
भगवान आचार्य जी भी उस समय वहीं श्रीरंगम में विराज रहे थे। और जब उन्होंने इस रूपासक्त पहलवान को देखा, जिज्ञासा की, तो आचार्यों का हृदय बहुत विशाल होता है। अब हम कंपटीशन तो नहीं करेंगे कि भगवान का हृदय ज्यादा करुणावर डाले है कि आचार्य गुरुओं का हृदय बड़ा करुणावर, हम दोनों एक ही है। ठीक है, एक ही दया आ गई उसको देख करके। सेवक को उसका आदेश दिया, इसे कहो मठ में आके हमसे मिले। अब आचार्य जी ने बुलाया तो धनुर्दास की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, इतने बड़े महापुरुष बुला। अच्छा, मठ के अंदर प्रवेश सबका नहीं, बड़ा कठिन है। दक्षिण भारत की मठों की और मर्यादा बड़ी भिन्न है, और उस समय तो और अधिक थी। और आचार्य जी तो उनके लिए तो बड़ा मठ के अंदर प्रवेश बड़ा बुलवाया गया। सोचा कोई धर्म को घुसने भी देगा कि नहीं देगा, भगा देगा तो मुझे बहाना मिल जाएगा, मैं गया था। लेकिन गया तो हर आदमी के लिए कह, चलो आचार्य जी के पास जाओ। आचार्य ने पूछा, तुम ये आचरण करते हो उसका तात्पर्य क्या है? उन्होंने कहा, महाराज आपने बुलाया है तो मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं, मेरी हेमांबा के प्रति रूपा शक्ति है, कामा शक्ति नहीं है। मैं काम रूप से उससे नहीं आकर्षित, उसके रूप के छटा से मैं आकर के बिना देखे रहा ही नहीं जाता। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आज संध्या आरती के समय तुम हमारे पास आना। आरती में आचार्य के पास एक निम्न जाति का पहलवान आरती में जाए, सब लोग सन्नाटे देख रहे थे, आचार्य को कौन पूछ सकता। सब बुलाया और भगवान से कहा, प्रभु इस रूपासक्त को अपनी रूप छटा से आकर्षित कर। अब आचार्य की बात भगवान न माने कैसे, पता नहीं। एक बार हम वहां गए थे यात्रा में, तो हम एक जगह बैठे थे, वहां पर पत्थर का फर्श था। अब इसको आप प्रमाण कृपया मत मानिएगा, लेकिन हमको लगा था यहाँ आचार्य जी खड़े थे और यहाँ वो धनुर्दास खड़े थे। मुझे दृढ़ निश्चय है ये वहाँ, ये प्रमाण नहीं है, मैं फिर पुनः आपसे कह दूँ, मेरी भावना मात्र है, लेकिन मुझे कहा यही एक ऐसा एंगल है जहाँ से धनुर्दास के ऊपर आचार्य श्री का और प्रभु का अनुग्रह हुआ। उनके रूप को देख करके धनुर्दास इस प्रकार से आकर्षित हो गया, हेमा के रूप नहीं। रूपा शक्ति के कारण ही धनुर्दास को भगवान के साथ अत्यंत आग्रहपूर्ण प्रेम। आचार्य से कहा, इसको त्यागना नहीं, उसको स्वीकार करने के लिए घर में रखो, रहो सेवा करो। अब वो इतना अधिक बल हो गया, इतना पवित्र हो गया। हम लोगों ने सुना है, लेकिन ये प्रमाण आपको दे रहा हूं कि जिसका भगवान से आकर्षण हो गया उसमें समस्त गुण अपने आप अधिष्ठित हो जाते। निम्न जाति का बिना पढ़ा लिखा आचार्य श्री ने उसके पर अनुग्रह की, रामानुज संप्रदाय के सिद्धांत पढ़ाए। इतना अधिक धनुदास के पर प्रेम था आचार्य श्री का, जब कावेरी स्नान करने जाते वृद्धावस्था तो किसी ब्राह्मण के कंधे पे हाथ रख के आते थे, और जब लौट के आते थे तो धनुर्दास के कंधे पे हाथ। ईर्ष्या होनी स्वाभाविक है, शिष्यों में बड़ी बढ़िया ईर्ष्या होती, भाई बाबा आपको क्या बताए। एक हिम्मत ने पूछ लिया, महाराज आप जाते समय उनके हाथ रख लो तो बात चलेगा, आते समय उसके ऊपर हाथ रख करके आते हो? आचार्य हाँ बताए। और महापुरुषों की लीला तो विचित्र होती है। अपने किसी
अंतरंग शिष्य का इनके वस्त्रों को थोड़ा सा काट दो। दूसरे लोगों ने अपना कटवर उठाया तो देखा छोटा, पर बोले लगे किसने काटा, किसने काटा, तुमने काटा। और वही किसी अपने उसी अंतरंग से कहा, जाओ हे मांबा घर में होगी, मैं धनुदास को अपने पास बैठा रखूंगा सत्संग के ब्याज से, तो उसके गहने ले आओ। तो हे मांबा पति की स्मृति में जग रही थी, लेकिन उन जो आए थे चोर या चोर बन के आए थे ऐसा कह लो, उनको देख के हे मांबा ने समझ लिया कि वैष्णव चोरी करने की दृष्टि से आए हैं। तो ऐसे सो गई जैसे कि उसको होश ही नहीं। तो चोरों ने उसके गहने ऐसे करोड़ों सौ रुपये उतार लिए। अब हे मांबा ने सोचा, इन्होंने एक तरफ के गहने ले लिए, अब ये दूसरी तरफ के गहने कैसे लेंगे। तो ऐसे करके उसने करवट ली। अब पता नहीं आप लोगों को चोरी करने का पता है कि नहीं, चोर के पैर बड़े हल्के होते हैं। उठा कह रहे तो जग गई और उतने ही गहने चोरी करके चले आए। धनुर्दास जब पहुंचे उसने बताया, अरे तेरे धरती पर आ सकती है भी, सोने में तेरा इतना मोह है, उतार दे देना सब। उन्होंने कहा, प्रभु मैं यही तो चाहती थी उनको दे दू, नहीं मैं तुझे रखूंगा नहीं, भटा दूंगा तेरे को। बोले हमको वैष्णव को लौटा दिया, सब देना था इधर। उन्होंने कहा, प्रभु क्षमा करो, मैं अभी उतार के दे दी तू आप। ये झगड़ा भी आचार्य जी ने वो करवा दिया। फिर उन शिष्यों से कहा, तुम लोग एक बित्ता कपड़े के ऊपर आपस में तू तू मैं लड़ाई झगड़ा करने लग गए, और उतना स्वर्ण चोरी करके ला रहे थे, उसको ये भावना नहीं कि हमारा स्वर्ण चोरी हुआ, इतना और स्वर्ण जाना चाहिए था वैष्णव को नहीं मिला, और इसलिए हेमांबा को भी घर से निकालने के लिए कहता था। प्रभु ने समझाया, बेटा ऐसे की बात नहीं हो, लो ये कहने लो मैंने मंगवाए। तो कहें तब सारे वैष्णवों को पता चला कि धनुर्दास की प्रति आचार्य श्री क्यों, भले किस वर्ण में हुआ लेकिन अपनी रूपा शक्ति के कारण, आचार्य के अनुग्रह के कारण भगवान के उस परम सौंदर्य का दर्शन करके भगवान में आसक्त हो गया। भैया तुम्हें रूप अच्छा लगे तो भगवान को देखो, धन अच्छा लगे तो भगवान को देखो, विद्या अच्छी लगे जो अच्छा, अरे और भी चीजें अच्छी लगती तो 16108 वाले का ध्यान कर लो, क्रोध आता हो तो नृसिंह भगवान की जय। तो किसी भी रूप में ये नाप उपाय ना मध्य कृष्ण निवेश है, किसी भी उपाय से काम से क्रोध से लोभ से मोह से किसी भी प्रकार से अपनी मति को भगवान में लगा दो। बिजली का तार मन से छुओ या बिना मन के छुओ, अनजाने से भी छुओ तो भी करंट तो लगेगा ही, भगवान का करंट लगेगा ही, किसी उपाय से उनके साथ जाओ। जय श्री कृष्ण।